नमस्कार दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह बिग बैंग की वजह से पृथ्वी, सूरज तथा अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। दोस्तों आइए जानते हैं मनुष्य का निर्माण बिग बैंग के बाद कैसे हुआ। आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारे महासागर में जीवन के होने की चहल पहल होने लगी थी। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन के मिलने से जीवन के लिए आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न होने लगी थी और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत एक सूक्ष्म जीवाणु के रूप में होने लगी। करोड़ों सालों तक ये जीवाणु समुद्र में पलने लगे। सूक्ष्म जीवाणु काफी सरल थे, परंतु इसकी वजह से आगे चलकर काफी जटिल जीवों का निर्माण होने लगा। लगभग 2.5 अरब साल पहले किसी सूक्ष्म जीवाणु ने सूर्य की किरणों को अपने जीने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक उत्पाद बनाया जो ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन से जटिल जीवन की कल्पना करना आसान हो गया। उन दिनों महासागरों में लोहे की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ऑक्सीजन तथा लोहे की क्रिया से जंग का निर्माण होने लगा, जिससे अरबों सालों तक जंग समुद्र के तल में जमने लगी, जिससे लोहे की मात्रा कम हुई तथा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे ओजोन परत तथा महासागरों में परिवर्तन बनने लगे। इन 2 लाख वर्षों में पृथ्वी काफी बदल चुकी थी। इसके बाद जीवाणु ने ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे जटिल जीवन बनने लगा। ऑक्सीजन की वजह से कई प्रजातियां समुद्र में जन्म लेने लगी, परंतु भूमि पर जीवन अभी भी नहीं था। लगभग 50 करोड़ साल पहले सबसे पहला जलचर, जिसमें एक हड्डी थी, वो महासागर में जन्म लिया। यह जीवन की क्रांति में सबसे पहला कदम था। पृथ्वी पर 4 अरब साल तक जीवन सिर्फ पानी में ही था। इनमें कई सारे जलचर और पेड़ पौधे थे, परंतु जब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी तो ओजोन लेयर बनी, जो पृथ्वी पर जीवन का सूर्य की किरणों से बचाव करती थी। इस वजह से पेड़ पौधे जमीन पर उगने लगे और लगभग 40 करोड़ साल में पृथ्वी पर जंगल ही जंगल दिखने लगे। लगभग 40 करोड़ साल पहले किसी जलचर ने पृथ्वी पर कदम रखा और जमीन पर जीवन की शुरुआत हुई, जो हमारे पूर्वज थे। 25 करोड़ साल पहले बिग बैंग के बाद सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह इतना भयंकर था कि पूरा वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। इसमें कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। हमारी पृथ्वी पर ऐसा विस्फोट 5 बार हो चुका है। इस कारण कई प्रजाति लुप्त होती आई है और उनकी जगह कई नई प्रजातियों ने ली है। ऐसे चलते चलते पृथ्वी पर डायनासोर की उत्पत्ति हुई। उन्होंने लगभग 16 करोड़ साल तक राज किया। डायनासोर के समय स्तन प्राणियों का विकास होना मुश्किल था, जो मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखते थे। लगभग 6 करोड़ साल पहले 6 मील लंबा एक धूमकेतु पृथ्वी पर आकर टकराया, जिससे पूरा आसमान धुएं से भर गया। सूर्य की किरणों का इन धुएं के बादलों से पृथ्वी पर आना मुश्किल हो गया था, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। इनकी वजह से सभी प्रजातियां जिनका वजन 25 किलो से ज्यादा था वो विलुप्त होने लगी और सभी डायनासोर भी विलुप्त हो गए। डायनासोर का विनाश मनुष्य जीवन के लिए लाभदायक साबित हुआ। स्तनसन प्राणियों का जन्म होने लगा, जिनके हाथ और पैर हमारी तरह थे। 5 करोड़ साल पहले सभी खंड एक दूसरे से अलग हो गए और पृथ्वी आज जैसी दिखने लगी। 1 करोड़ साल पहले हिमालय जैसे कई पर्वत बने, जमीन में घास बढ़ने लगी, जिनकी वजह से जंगल घटने लगे तथा छोटी छोटी घास की उन्नति होने लगी। हमारे पूर्वज यानी बंदर पेड़ों से निकलकर जीवन के नए नए तरीके खोजने लगे, जो 2 पैरों पर चलने लगे, हाथों का इस्तेमाल करने लगे। मनुष्य की उत्क्रांति होने लगी। अग्नि का इस्तेमाल, समूहों में रहना, बोलने के लिए भाषा का इस्तेमाल करना, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाना, ईंधन का प्रयोग करना, ऊर्जा को जानना तथा इस्तेमाल करके आज हम इतने विकसित हो गए। कोई प्रजाति बिग बैंग में उत्पन्न ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करती है, इसके ऊपर उसका अस्तित्व और जटिलता निर्भर करती है। जैसे कि ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। उसी प्रकार मनुष्य ने ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर इतनी उन्नति की है। बिग बैंग थ्योरी से आज तक का सफर हमें समझ में आता है, परंतु बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग क्यों हुआ, ऐसे कई सवालों के जवाब मनुष्य को भी ढूंढने हैं। क्या बिग बैंग से पहले कोई ब्रह्मांड अस्तित्व में था, यह भी एक सवाल है जिसका उत्तर मनुष्य को ढूंढना है। शायद भविष्य में मनुष्य इन सब का उत्तर ढूंढ ले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना, शेयर करना, ताकि इतनी नॉलेज और किसी को भी मिल सके।